नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम जिस विषय के साथ सामने आए हैं वो है FIR से जुड़ा हुआ। FIR संबंधी क्या है कानूनी प्रावधान, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में, कोई उपाय आपको नहीं सूझ रहा है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीफोन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। या तो आज का जो हमारा विषय है वो FIR से संबंधित है। FIR संबंधित क्या कुछ कानूनी अधिकार हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। बेहद खास मेहमान भीष्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं। भीष्म सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, कानूनन क्या कुछ अधिकार होता है? देखिए, यदि आपके साथ में कोई अपराध हुआ है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो आपका ये कानूनी अधिकार है कि आपकी शिकायत जो है एक कंसर्न अथॉरिटी को कर सकते हैं, जिसे हमारे यहाँ पे पुलिस है कंसर्न अथॉरिटी। तो हम पुलिस को शिकायत करते हैं और पुलिस जो है बाउंड है किसी भी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर FIR रजिस्टर्ड करने के लिए। वो आपको किसी भी पॉइंट पे मना नहीं कर सकती कि हम FIR नहीं रजिस्टर्ड करेंगे। यदि पुलिस FIR करने से मना कर देती है तो आप सुपीरियर ऑफिसर्स को उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक उसके बाद में अगर वहाँ से भी एक्शन नहीं होता तो फिर कोर्ट में जो है केस इसके लिए डाल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। हम अपने दर्शकों से भी बार बार ये अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कानूनी अड़चन की वजह से आप परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। और आज जिस विषय से हम आपको रूबरू करा रहे हैं वो FIR संबंधी कानून से जुड़ा हुआ, कि FIR से जुड़ा हुआ कानूनी अधिकार क्या कुछ आपको हासिल है। दरअसल एक बड़ा तबका होता है जो कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव के चलते इंसाफ की दहलीज से दूर हो जाता है, और इसी अंतर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। भीष्म जी, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर कोई शख्स कंप्लेंट कराने के लिए पुलिस थाने पहुँचता है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो FIR कम से कम उसकी दर्ज करे, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि पुलिस पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि FIR हमारी दर्ज नहीं की जा रही है, और अगर FIR दर्ज भी की जाती है तो धाराएं कुछ हल्की लगा दी जाती है, इस तरह की शिकायतें होती हैं। तो इस तरह की अगर कंप्लेंट करनी हो तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी हो कि जो शिकायत आप पुलिस को दे रहे हैं वो एकदम कंफर्म होनी चाहिए। अक्सर हम कंप्लेंट जो देते हैं उसके अंदर कमियां रह जाती है। सपोज़ जो हम कंप्लेंट देते हैं पुलिस को उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, और जैसे अपना आइडेंटिफिकेशन, शिकायतकर्ता का पूरा नाम, पता, एड्रेस, उसके बाद में जो ऑफेंस हुआ है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, किसने ऑफेंस किया है, किस तरीके से किया है। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो वो कंप्लेंट जो है बेकार हो जाती है, पुलिस उस पर एक्शन ले नहीं पाएगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार पुलिस जो है मना कर देती है कि ये इसमें ऑफेंस नहीं बन रहा है। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है बहुत वैल्यूबल डॉक्यूमेंट होता है। जो ऑफेंस उस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से रिफ्लेक्ट करेगा उसी पर आगे कार्रवाई होती है। अगर वो कंप्लीट नहीं गया तो फिर पुलिस के भी हाथ बन जाते हैं। तो ध्यान रखिए, कंप्लेंट लिखते वक्त जब भी लिख रहे हैं जिसके खिलाफ लिख रहे हैं उसका पूरा जिक्र हो और जिस तरीके का। चलिए, बिल्कुल, इसका पूरा प्रोसेस हम आपसे समझेंगे कि एक कोई कंप्लेंट अगर लिखी जाती है तो उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, ताकि पुलिस कर्मियों को भी आसानी हो पाए कि FIR दर्ज करने में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। प्रदीप जी पहले कॉलर पंजाब से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, अपना सवाल एक बार फिर दोहराए। चेक भी हमें रोका जो जिसमें चेक
उस विरोध व्यक्त होने पर कुछ कर सकती है। आवाज आपको भीष्म जी समझ आ रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, आप आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है, बहुत जल्द हम आपको कॉल करेंगे और आपकी जो भी समस्या है उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम अपने दर्शकों से ये भी अपील करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम आप पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें और अपना जो सवाल है वो संक्षेप में रखें, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और उसका निदान आप क्या कुछ चाहते हैं, ये सरल भाषा में उपयोग करें ताकि आपको भी हमें जवाब देने में आसानी हो। और अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अगर FIR संबंधी कानून से जुड़ा कोई सवाल आपके जहन में है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपको परेशान कर रही है, कोई रास्ता आपको नहीं सूझ रहा है, कोई उपाय आपको नज़र नहीं आता तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज अधिवक्ता भीष्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। भीष्म जी, जो आप प्रारूप की बात कर रहे थे कि जो शिकायती पत्र होता है वो ठीक ढंग से होना चाहिए ताकि कार्रवाई में दिक्कत ना हो, किस तरह का होना चाहिए? जी, शिकायत के अंदर आप सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी एकदम क्लियर, अपना एड्रेस, अपना पता, अपने पिता का नाम या हस्बैंड का नाम क्लियर दें। फिर जिसने ऑफेंस किया है उसकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए और उसके बाद ऑफेंस जिस तरीके से किया गया है, सपोज कीजिए अगर आपसे के साथ किसी ने अपशब्द यूज़ किए हैं, मात्र ये लिख देना कि अपशब्द यूज़ किए गए, ये काफ़ी नहीं होगा, वो अपशब्द एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि फिर आगे केस सर्वाइव नहीं कर पाता। तो एकदम क्लियर और जो है स्पेसिफिक होना चाहिए ऑफेंस किसने किया है और क्या किया है, तभी पुलिस कार्रवाई कर पाएगी। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस थाने में सुनवाई नहीं की जाती, FIR दर्ज नहीं होती है, अगर कोई शिकायत करने पहुंचता है तो उनके पास क्या रास्ता बचता है? देखिए, अगर थाने में सुनवाई नहीं हो रही है तो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, अगर हम हमारे मेट्रोज की बात करें तो वहाँ DCP अपॉइंट है, और रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे SP देहात होता है, SP सिटी होता है, आप सीनियर ऑफिसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। इन केस वो भी असक्षम रहते हैं आपकी इसको समस्या को सुलझाने में, तो फिर आप जो है 156(3) सब क्लॉज 3 CRPC में कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट इसमें फिर आगे कार्रवाई करती है। तो कोर्ट के लिए क्या प्रोसेस अपनाना होगा? वकील करना जरूरी होगा? जी, आपको लीगल हेल्पलाइन या तो अथॉरिटी जो भी है वहाँ पे जो मुफ्त आपको एडवोकेट अपॉइंट कराते हैं, आप उनसे वकील ले सकते हैं या सक्षम है खुद अपने लेवल पे लेने के लिए एडवोकेट लेकर के 156(3) में पेटिशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। चलिए, बिल्कुल, हम लगातार इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर FIR संबंधी कानून जो है वो क्या कुछ अधिकार देता है। अगर आप परेशान चल रहे हैं, कोई दिक्कत आपके सामने है कानूनन और कोई रास्ता अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हम लगातार दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फोन लाइन भी लगातार खुली हुई हैं और जो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि FIR संबंधी कानून है उससे जुड़ा कानून क्या कुछ अधिकार हमें देता है, लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं। विजेंद्र जी एक कॉलर हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। विजेंद्र जी, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें। जी, सर मैं बच्चा पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया था। जी, तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए वो गया था, 1200 रुपए मांगे गए थाना अध्यक्ष के द्वारा, और उसके बाद वो पैसा नहीं देने पर उसको बुरी तरह से मारपीट किया गया, और नहीं दिया गया तो बुरी तरह से मारपीट किया गया थाना पर, मीडिया वाले भी इसको प्रमुखता से छापे। जी, और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, एसपी से भी हम लोग जाके मिले, एसपी साहब से, राकेश कुमार जी से। ठीक है, भीष्म सिंह जी क्या क्या उपाय इन्हें बताएंगे? देखिए, यदि आप SP सिटी से मिल चुके हैं, ऐसा नहीं है FIR सिर्फ एक आम आदमी के खिलाफ ही हो सकती है, पुलिस वालों के खिलाफ भी होती है, और इसमें आप विजिलेंस ऑफिस होता है एक पुलिस का, वहाँ पे इन्फॉर्म कीजिए और कोर्ट को अप्रोच कीजिए, जो मैं धारा बता रहा हूँ 156(3) के अंदर, और वहाँ से कोर्ट जो है इसको फिर आगे प्रोसेस करवाएगा।
चलिए उम्मीद करते हैं कि जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से बार बार कह रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं अपनी टेलीविज़न का वॉल्यूम आप पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो FIR संबंधी कानून से जुड़ा हुआ है। कानूनन क्या कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं अगर आप शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो, पुलिस थाने में अगर सुनवाई आपकी नहीं होती है तो क्या वो रास्ता कानूनन हो सकता है जिसे आप अख्तियार कर सकते हैं और आपको निश्चित तौर पर कानूनी सहायता मिल सकती है। साथ ही एक कॉलर हमारे साथ सर्वनाथ जी जुड़ गए हैं, आप अजमेर से हैं। सर्वनाथ जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मेरे क्या 6 साल की बच्ची है सर। जी जी सर, उसने क्या है कि बाल विवाह के लिए समाज से जवाब डाला जा रहा है सर, मेरी बच्ची है इसका मैं बाल विवाह करना नहीं चाहता मैं, तो इसके लिए हमारे कुछ थाना अधिकारी वगैरह है वो भी मिले हुए, इसमें क्या कर सकता हूँ सर? या तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो मैं और मेरी लड़की मरना पड़ेगा या इसमें से या मैं कोई सर कोई रास्ता बताया। सरना जी आपने वरिष्ठ अधिकारियों तक इस बात की शिकायत की है? जी सर, मैं 3 बार जा चुका हूँ। भीष्म सिंह जी क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस समय की इस तरीके की समस्या है कि वरिष्ठ अधिकारी भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप ये कंप्लेंट जो है डायरेक्ट कोर्ट में भी, सेक्शन 200 है जिसमें आप डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी और जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो कुछ संस्थाएं हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी लोकल बॉडी की भी हेल्प ले सकते हैं, वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं सरनाथ जी, जो उपाय भीष्म सिंह जी ने आपको बताया अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सुनवाई ज़रूर होगी और कानूनी सहायता आपको ज़रूर मिलेगी। रमेश जी अगले कॉलर हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं। रमेश जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। जी हेलो। जी रमेश जी सवाल कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी FIR की जगह पर थाने में NCR लिख ली जाती है, जी दोनों में क्या अंतर है कृपया बताने की कोशिश करें। भीष्म सिंह जी देखिए, FIR होती है संज्ञेय अपराधों में और NCR होती है असंज्ञेय अपराधों में। जिन कंप्लेंट्स की आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी है कि जैसे मेरा कोई डॉक्यूमेंट है मिसप्लेस हो गया, आप दूसरा डॉक्यूमेंट किसी अथॉरिटी से जिसने इशू किया वो निकलवा सकते हैं, बट वो मिसयूज ना हो इसीलिए कि इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी को होनी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट मेरा मिसप्लेस है। तो उन चीज़ों में जिसकी इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है वहाँ पर जो है सिर्फ NCR की जाती है, और जहाँ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है वहाँ FIR की जाती है और मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जहाँ इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पुलिस NCR ही करती है। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं रमेश जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। रायबरेली से वीरेंद्र प्रताप जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र प्रताप जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर हम सर और कोई हमारा सवाल नहीं, बस यही पर हम बहुत हमारी मतलब हालत सर बहुत खराब है और हम बहुत अपनी जमीन बेच के हमने 5 बीसों सर गाड़ी ली थी, बस उस गाड़ी चोरी हो गई सर, उसका कोई पता नहीं चला, हम बहुत परेशान हैं उसके लिए सर। इंश्योरेंस था उसका? कोई जी इंश्योरेंस था उस वाहन का? नहीं सर, बीमा खत्म था सर। भीष्म सिंह जी देखिए, अगर बीमा खत्म था इंश्योरेंस नहीं करा तो ये तो आपकी अपनी लापरवाही है। बाकी अगर आपका वाहन चोरी हो गया है उसकी FIR आपने करा दी है तो पुलिस अपने लेवल पे उसको सर्च करने की कोशिश करेगी और वो मिलता है तो आगे प्रोसेस होगा। यानी क्लेम के हकदार नहीं हो सकते? नहीं, जब इन्होंने इंश्योरेंस ही नहीं किया तो फिर क्लेम किससे लेंगे। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं, जो आपका सवाल था उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे इस शो के माध्यम से जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता आप तक पहुंचाने के लिए हम यहां पर मौजूद हैं। और आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने हैं वो है FIR संबंधी कानून से जुड़ा हुआ कि कानूनन क्या कुछ अधिकार हासिल होते हैं, FIR से संबंधित जो भी दिक्कतें सामने आती हैं, और इसके अलावा भी अगर किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। उत्तराखंड से एक और दर्शक राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल सवाल कीजिए अपना। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक्चुअली मेरे को ये पता करना था, जैसे कि मैंने अभी पासपोर्ट अप्लाई किया था जी, तो उसके लिए वैलिडेशन होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो सर उसमें जो भी इनका गवर्नमेंट एम्प्लॉई आता है वो पैसे की डिमांड क्यों करता है?
और मैंने उसको सारे डॉक्यूमेंट चेक करवा दिए, सब कुछ क्लियर करवा दिए, उसके बाद भी वो कहता है कि मुझे वेरिफिकेशन फीस दी। भीष्म जी, तो सर मैंने जी ये बड़ी दिक्कत है जो तमाम स्टूडेंट्स होते हैं, तमाम जो युवा होते हैं जो उम्मीदों के साथ पहुंचते हैं, सारे दस्तावेज उनके पास होते हैं लेकिन उसके बावजूद उनसे एक तरह से कहा जाए कि रिश्वत, फीस के नाम पर रिश्वत की मांग की जाती है। देखिए कानूनन तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि जो वेरिफिकेशन के लिए आया है उसको कुछ पैसे देने हैं या कुछ फीस देनी है, लेकिन कई बार होता क्या है कुछ इस तरीके की डिमांड पुलिस वाले कर लेते हैं, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट हर स्टेट के अंदर है पुलिस का, ये वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसमें मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी कमी हम लोगों की, सामान्य लोगों की भी है कि हमें आदत पड़ चुकी है अपना जो है काम अगर कोई नहीं भी ले रहा है तो हम ये एक रास्ता खोलते हैं लोगों के लिए, और इस वजह से फिर ये एक जो है मैटर ऑफ राइट सा समझ कर जो नहीं है पुलिस पर डिमांड करती है। ये आदत खराब करने में हमारा भी एक हद तक हाथ है जो खराब हो गई है। जहाँ तक इसकी रेमेडी की बात करें तो विजिलेंस डिपार्टमेंट पुलिस का होता है, ये वहाँ जा करके कंप्लेंट कर सकते हैं उस पुलिस वाले की जिसने इनसे डिमांड करी है इलीगल मनी की। चलिए बिल्कुल, दिनेश जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। सर हेलो जी, दिनेश जी सवाल कीजिए। जी मेरा भाई है जिसकी हत्या कर दी गई थी सर, जिसमें जिन्होंने सब किया था उसको पकड़ के छोड़ दिया गया है जी, तो फिर सब कुछ कर नहीं रही है, हम यही बस जानना चाहते हैं पुलिस मतलब इसकी लापरवाही कैसे कर सकती है। नहीं, FIR जो दर्ज हुई होगी आपके भाई की, आप बता रहे हैं कि हत्या कर दी गई थी, तो मुकदमा किन किन लोगों के नाम पर दर्ज था? मुकदमा तो मतलब हम लोग को पता नहीं था मतलब किसने कितने हत्या किया है, तो मुकदमा बस ये थे कि मतलब मेरे भाई का जो कातिल है उसे चाहिए, बस हमें पुलिस से बोले थे, तो पुलिस ने मतलब कुछ जिनको लगा था कि पुलिस मतलब कुछ प्रूफ मिला था पुलिस को, तो पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था छोड़ दिया। भीष्म जी देखिए, मात्र हमारे कह देने से पुलिस किसी को अरेस्ट करे और उस पर मुकदमा चलाए ये पॉसिबल नहीं है। यदि कोई अपराध हुआ है कानून को सबूतों की आवश्यकता होती है, और जब तक प्रॉपर सबूत नहीं मिलेंगे हम किसी की फ्रीडम को कर्टेल नहीं कर सकते। अगर सबूत जो है पुख्ता हैं तो फिर पुलिस का कोई राइट नहीं है, वो किसी भी मामले को अपने लेवल पे समझौता करा दे या छोड़ दे। पुलिस का काम है FIR रजिस्टर्ड करना, मुलजिमों को अरेस्ट करना और कोर्ट को सुपुर्द कर देना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जरूर उसमें कुछ ऐसी कमी रही होगी कि पुख्ता सबूत जो है जुटा पाने में असमर्थ नहीं। अगर कोई शक के घेरे में आ जाता है, जैसा इन कॉलर का सवाल था कि इन लोगों को शक है कि शायद ये हो सकता है हत्या में शामिल, तो कोई प्रोसेस है? जी बिल्कुल, पुलिस ने शक के घेरे में आकर शक के बिना पर ही उन्हें लिया होगा, इंक्वायरी की होगी, बट उनके खिलाफ अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है तो फिर पुलिस के लिए मुश्किल है ना कि किसी की फ्रीडम को वो अननेसेसरी कर्टेल करें, इसीलिए उसे छोड़ा गया होगा। चलिए बिल्कुल, जो आपका सवाल था उम्मीद करते हैं आपको अपना जवाब मिल गया होगा। मजहर खान साहब अगले कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। मजहर भाई अपने सवाल कीजिए। मेरा नाम मजहर खान है सर। जी सवाल कीजिए। हाँ तो हमारे इधर में सर एक चित्रान करके एक कंपनी आई थी सर। हाँ चित्रान की कंपनी आई थी। हेलो, सवाल कीजिए, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कीजिए। हाँ वॉल्यूम कम कर दिया सर मैंने। हाँ सवाल कीजिए। हमारे एक चित्रांग करके कंपनी आई थी सर, उन्होंने हमसे 35,000 रुपए लिए थे। तो जैसा वो बोल रहे थे हमको जैसा स्क्रीन लगाएंगे करके एडवर्टाइज के लिए, उन्होंने स्क्रीन भी नहीं लगाई सर, और उन्होंने जैसा हमसे पैसे ले लिया, वो कंपनी नागपुर वाली कंपनी थी, तो उन्होंने जैसा वो कंपनी वहाँ से बंद हो गई, जैसा पैसे लेके बोलते भाग गए बोलते सर, तो हमने इसकी कंप्लेंट दी थी सर, वो 8-9 महीने हो गए सर, तो उसका कोई रिप्लाई उधर से कुछ आया नहीं सर। भीष्म सिंह जी क्या उपाय इनके पास है? फाइनेंस रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं पुलिस का एक EOW सेल होता है, इकोनॉमिक विंग होता है, आप वहाँ कंप्लेंट करें इसके बारे में, और आपने अगर आइडेंटिटी जिस कंपनी की आप बता रहे हैं कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसकी सारी डिटेल होंगी, आप प्रॉपर डिटेल्स जो है उनको प्रोवाइड कराइए, वो एक्शन लेंगे। अगर आइडेंटिटी ही नहीं है मुलजिम की जिसने ये काम किया है तो फिर इन्वेस्टिगेट करने में थोड़ा समय तो लगेगा ट्रेस आउट होने में। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं मजहर खान साहब जो आपका सवाल था उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। और भीष्म सिंह जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुँचाने के लिए। तो दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक
बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में यहाँ पर हम मौजूद रहते हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता करने के लिए। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।